निधिवन में रात को बताया जाता है कि जो श्रृंगार की चीजें रखी हैं वो सब इधर उधर हो जाती हैं, थोड़ा प्रसाद भी खा लेते हैं, पान भी चबा के रख जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की आकारी रूप वाली आत्माएं वहाँ अपने सूक्ष्म जगत की गोपियों के साथ आती हैं, वहाँ रस करती हैं और फिर ये सब श्रृंगार करके फिर छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। ये बात तो सही है कि जहाँ जहाँ भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ श्री कृष्ण के अलग अलग रूप रहते हैं, जैसे जिन भावनाओं से जो भाव से मंदिर बनाया गया है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो बड़े मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त जो भाव से कृष्ण और राधा के साथ जो भाव से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब राधा कृष्ण का एक आकारी रूप उस मंदिर में आकर वहाँ ये पत्थरों में प्रवेश कर जाते हैं, तो पत्थर की मूर्तियाँ चैतन्य हो जाती हैं। वो साधारण ही बात नहीं है, लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि प्राण प्रतिष्ठा जब करते थे, ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठा जो उसका जो विधि थी पहले ब्राह्मण जो करते थे, तब किसी भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हो मंदिरों में, तब वो देवी देवताओं का एक आकारी रूप आकर इस मंदिर में रह जाता था और जो इस मूर्ति की पूजा करते थे उनको ये फल देता था। ऐसे मंदिर नहीं बने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को। तो ऐसी तरह ये जो वृंदावन में निधिवन जो बाग है, निधिवन में जो भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण उसका एक आकारी रूप आते हैं, उसके साथ सूक्ष्म जगत की गोपियाँ भी आती हैं और रास करके चली जाती हैं।